क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 tan इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, तो यहीं से हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 tan इनवर्स एक्स का, कैपिटल एक्स, राइट। और ये फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो LHS सॉल्व किया इसका, इसे सॉल्व करना है तो हम LHS क्या कंपेयर करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। 2 tan इनवर्स cos x कैन बी रिटन एज 10 इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos² x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इट इज 2 cosec x, राइट। तो कंपेयर करिए दोनों तरफ, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा इज इक्वल टू 2, और cosec x को लिख लिया साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। एक से साइन एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ है, तो आ गया कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और ये कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमने सॉल्व कर दिया एक्स के लिए, द रिजल्ट इज एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, करेक्ट। प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही, माइनस पाई बाय 4 जो है ये कहाँ से कहाँ तक आता है, ये पाई बाय 4 कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच में आएगा। ओके, 14th क्वेश्चन। 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ 10 इनवर्स एक्स, इसे सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व। अब ये कहीं पे आपको दिखना चाहिए 10 इनवर्स, और जो ये वैल्यू लिखी हुई है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे थोड़ा चेंज करते हैं, अगर हमने लिखा है 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। तो ये तो होता है 10 इनवर्स ए माइनस बी, या एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy। इस फॉर्मूला का यूज़ करके एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 से, वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स से, ये एक्स 1 हो जाएगा और ये वाई एक्स हो जाएगा, तो हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो जो ये टर्म है हमारे पास, इस टर्म को हम देख सकते हैं, आई कैन राइट दिस टर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला एज 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये हमें दे रखा है कितना, हाफ 10 इनवर्स एक्स। अब 10 इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 होता है, इसे यहीं रहने दो, और इस 10 इनवर्स x को 10 इनवर्स x इधर ले जाओ, राइट हैंड साइड में। तो दिस इज इक्वल टू हाफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x, तो ये हो गया 3/2 10 इनवर्स x, ये पाई बाय 4 के इक्वल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देयर फोर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3, राइट। तो पूछा क्या है हमसे, वैल्यू पूछा है 10 इनवर्स x का, तो इसका मतलब 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू x। वॉट इज 10 पाई बाय 3, ये तो 1/√3 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साइन ऑफ 10 इनवर्स x निकालना है, तो 10 इनवर्स x को कुछ ट्रीट करते हैं, बिकॉज साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा वही हम यूज कर लेंगे, हम अगर ऐसा हो पाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, तो लेट सॉल्यूशन है, तो लेट 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू x आ गया। तो अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये थीटा है
तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो ये साइड कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ, अच्छा सर साइन थीटा लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है, रिप्लेस कर लिया टेन इनवर्स एक्स को बाय साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, और ये जो भी चॉइस है, ये चॉइस हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, कैसे सोच सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे पाई बाई टू भी दिखाई दे रहा है, आई कैन सी पाई बाई टू ओवर हेयर, राइट। तो क्वेश्चन देख लिया, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाई बाई टू का यूज़ हम करेंगे। अच्छा हमें यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ सेंस हो रहा है कि हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू भी कहीं पे यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स एक्स भी दिख रहा है, पाई बाई टू भी दिख रहा है, और कॉस टू थीटा वाला भी यूज़ करते हैं। ओके तो अगर यूजिंग इस आइडेंटिटी को मैं यूज़ करके सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस लिख लूँ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो ये तो पाई बाई टू आएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन में देख रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ तो कंपेयर करके तो ये आ गया माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स, राइट। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने थीटा पुट किया तो साइन थीटा कितना आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, या क्वेश्चन में फिर देखता हूँ यहाँ पे माइनस टू साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा पुट कर लिया इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हमें तो रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा को भी, चेंज करना पड़ेगा एक्स में, एक्स को चेंज करना पड़ेगा थीटा में। ओके टेकिंग लॉग, टेकिंग कॉस ऑफ बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ का कॉस ले लेंगे, टेकिंग कॉस ऑफ बोथ साइड्स, तो कॉज ऑफ माइनस टू थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस टू थीटा, तो कॉज ऑफ माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो आ जाएगा कॉज टू थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स तो एक्स होता है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स। कॉस टू थीटा को मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस टू थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और थीटा क्या था, साइन वर्स एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब एक्स इंटू 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये MCQ है, तो आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, दोनों को चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0 को देखते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये तो हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स
0. So minus 2 sine inverse 0. इसका वैल्यू कितना आ गया? साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 पे होता है. साइन 1 कहाँ पे होता है? पाई बाई 2 पे होता है. तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. ठीक है, तो दिस इज आर सॉल्यूशन. एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू हाफ रख के देखते हैं. तो साइन इनवर्स ये तो 1/2 आएगा. साइन इनवर्स 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2. तो इधर सफाइस नहीं करेगा, इट विल नॉट सफाइस. तो एक्स इज इक्वल टू हाफ कैन बी डिस्कार्डेड. एक्स इज इक्वल टू 0 इज द प्रोबेबल सॉल्यूशन. क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है तो हम इसे चेक भी कर रहे हैं, और वैसे भी अगर वैल्यूज आती हैं तो हम इन वैल्यूज को चेक करते हैं कि किन वैल्यूज के लिए जो हमें इक्वेशन गिवन है सफाइस कर रहा है LHS एंड RHS. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट इधर पुट कर लेते हैं इसको. इंपॉर्टेंट. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का. कैलकुलेशन है बस ज़्यादा. तो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी. इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसमें एक और फॉर्मूला लगाएंगे. डू योर सेल्फ फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आप चेक कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा. ये सब बीच में अंदर कट पिट के क्या होगा, ये सब कुछ कट जाएगा और ये बचेगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लास्ट में बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन होता है पाई बाय 4. सो वी हैव फिनिश्ड मिसलेनियस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हमें याद क्या करना है? आपको सारी आइडेंटिटी याद करनी है. जब आइडेंटिटीज और फॉर्मूले याद होंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. हमें डोमेन और रेंज ITF के याद रखने हैं. ठीक है, और रेस्ट वी हैव टू रिवाइज. ओके, सो थैंक यू.